हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को एसएससी की इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब दोस्तों, इस एग्जांपल में क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, साइड एसी इज 26, सीडी इज 10, बीसी इज 42। अगर दोस्तों ये 42 है, ये 10 है, देन बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 32। 42 माइनस 10। एंगल डी ए सी इज एक्स एंड एंगल बी इज वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब दोस्तों, यहां पर हमारी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही हैं? कोज एक्स, कोज वाई एंड टेन वाई। कोज एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन साइड्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है? जो हमारे पास साइड मिसिंग है उनकी लेंथ। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में दोस्तों, मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 26। बेस कितना गिवन है? 10। सो परपेंडिकुलर की लेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब दोस्तों, यहां पर इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझो। जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो 26 माइनस 10 इज 16 इंटू 26 प्लस 10 इज 36। 16 का स्क्वायर रूट इज 4 एंड 36 का स्क्वायर रूट इज 6, सो 24। सो एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 24 यूनिट। अब दोस्तों, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी में मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 24। बेस कितना है? 32। सो हम इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 576 प्लस 32 स्क्वायर इज 1024, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू। दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट 1600, और 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 40। सो दोस्तों, मेरे पास ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 40 यूनिट। अब दोस्तों, हमने क्या नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब दोस्तों, इनके लिए गोल्डन रूल याद कर लेना। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने परपेंडिकुलर और बेस को कैसे चूज करना है, वो एंगल की पोजीशन हमें बताती है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में मेरा एक्स का क्या है? यहां पर है। सो इसकी एडजेसेंट जो भी साइड होगी, दैट इज कॉल्ड द बेस। सो यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा ये एडी क्या बन जाएगा? बेस। सो मेरा कोज एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो मेरी कोज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस कितना है? 24। हाइपोटेन्यूज कितने? 26। अब दोस्तों, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में एंगल वाई के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एडी, दैट इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। एंड बी डी क्या है? इसकी एडजेसेंट साइड, दैट इज द बेस फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरी कोज वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितनी वैल्यू है? 32 ओवर हाइपोटेन्यूज इज 40। एंड टेन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? टेन वाई क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 24। बेस कितना है? 32। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 ओवर 32। अब दोस्तों, मेरे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू आ गई है, पुट इन दिस एक्सप्रेशन। सो वी गेट 6 ओवर कोज एक्स। कोज एक्स क्या है मेरा? 24 ओवर 26। 26 मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 24 माइनस 5 ओवर कोज वाई। कोज वाई इज 32 ओवर 40। 40 मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 32 बेस में, प्लस 8 टाइम्स ऑफ टेन वाई। टेन वाई इज 24 ओवर 32। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। 6 इंटू 4 इज 24, 8 इंटू 4 इज 32, 8 इंटू 5 इज 40, 8 इंटू 4 इज 32, 4 इंटू 6 इज 24। सो यहां पर दोस्तों, मेरे पास क्या आ गया?
26 ओवर 4 माइनस 5 इंटू 5 इज 25 ओवर 4 प्लस 6। सो यहां पर दोस्तों मेरी 26 में 25 माइनस कर दूंगा क्योंकि बेस सेम है, सो वी गेट 1 ओवर 4 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 24 प्लस 1 इज 25 ओवर 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट और ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगी होगी। अब दोस्तों यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, कोस वाई एंड टाइम वाई की वैल्यू। इस एक्सप्रेशन में साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।